हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, शाम को एनटीए का एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, इनके अलावा बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के जो कोर्सेज़ हैं उनमें भी एडमिशन आपका नीट के स्कोर के थ्रू ही होगा। वजह से बहुत सारे बच्चे जो कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि जो उनका एग्ज़ाम है वो भी अब नीट के थ्रू होगा, यानी उनको अब नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, नीट के लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो एम्स का बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वो सेपरेट होगा, और इसका प्रूफ भी है मेरे पास, क्योंकि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2021 के जो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आ गया है। सो ये रहा आपका एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म का और एग्ज़ाम डेट का, रिजल्ट का, सबकी नोटिफिकेशन इसमें दे रखी है उन्होंने। इनको हम अच्छे से रीड आउट करते हैं कि क्या बोला गया है इसमें। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे डेट्स मेंशन की गई हैं फॉर द बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2021। नेक्स्ट इसमें बता रखा है, वो कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड आर एलिजिबल फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2021, कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन नहीं है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो यही इसके सामने ही ये मेंशन है, कैंडिडेट्स हुए पास द 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मतलब ये यहाँ पे बोल रहा है कि 12th क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, कंपलसरी है ये। और अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनमें आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सो ये क्राइटेरिया था उन बच्चों के लिए जो कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया दिखा रखा है नेक्स्ट बॉक्स में वो है आपका बीएससी पैरामेडिकल 2021 का। सो ये क्राइटेरिया कुछ स्पेशल है, ये थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन आप बायोलॉजी हो या फिर आपके पास मैथ्स हो, इन दोनों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो बीएससी पैरामेडिकल के लिए। अगर आप मैथ स्ट्रीम के बच्चे हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका क्राइटेरिया फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% है और एससी एसटी के लिए 45% है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख गया होगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में, कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, और लेकिन अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल के बारे में तो पैरामेडिकल में आपका बायोलॉजी कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे आप अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कॉमन डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो आपको पता ही होगा कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और आपका पैरामेडिकल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होता है, और आपको इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप गर्ल हैं और आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फिल कर दिया तो पैरामेडिकल नहीं करना, आपको दोनों फॉर्म फिल करने हैं अलग से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिनको एडमिशन लेना है बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 2021 सेशन के लिए। सो यहाँ पे उनका क्राइटेरिया दिखा रखा है, एक बार मैं ये भी बता देती हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो क्राइटेरिया दे रखा था वो। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कि आपकी डेट्स कौन सी हैं, किस दिन क्या होगा, सारी डेट मेंशन कर रखी हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये है हमारा इम्पोर्टेंट डेट का सेक्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखा रखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल 2021। जो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट होगा 12th मार्च 2021 टू 6th अप्रैल 2021 तक, और ये 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक ही रहेगा। सो आप जल्दी से इसके फॉर्म है, बेसिक रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट अपना करा लीजिए। नेक्स्ट इसमें स्टेटस अपडेट एक्सेप्ट और नॉट फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन। आपने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको 9th अप्रैल को मिल जाएगी। सो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आपने ये चेकआउट नहीं किया कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। स्टेटस अपडेट के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो इस कंडीशन में वो आपको बताएंगे कि आपके फॉर्म में क्या कमी थी
और उसको वो फुलफिल करने का टाइम देते हैं। सो इसमें वो टाइम मेंशन है 9 अप्रैल से आपका 15 अप्रैल तक, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें हो गई, बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने स्टेटस देख लिया कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, आपने ये देख लिया कि नहीं हुआ तो क्या चीज़ की कमी है, उसके बाद आता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो डेट है दैट इज 20 अप्रैल। तो गाइस आपका जो 20 अप्रैल है उस दिन आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग और कोई प्रोसीजर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 26 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस अपलोड होगा जिसमें आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी, मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर दूंगी जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से 2020 में बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो जनरेशन कोड है वो आपका रिलीज होगा 27 अप्रैल से 13 मई तक, यहाँ तक आप अपना जो है जनरेशन कोड देख सकते हो, जिसका आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है सिर्फ वही बच्चे, जिसका नहीं हुआ वो तो अप्लाई नहीं कर सकते अब आगे। सो जब आपको जनरेशन कोड मिलेगा अपना, सो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, आप कहीं पे उसको लिख लेना किसी अच्छे से बुक में जहाँ आपको याद रहे कि मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम पे बहुत काम आता है, उसके बिना आप कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको दिखा रखा है कि फाइनल रजिस्ट्रेशन या जिसको हम बोलते हैं पेमेंट होगी आपकी फीस की, और आप सिटी चॉइस कर सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ आएगा फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। ये सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनको जनरेशन कोड मिला है, यानी जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट हुआ है। सो इसकी डेट भी सेम है, जब आपको जनरेशन कोड मिलेगा उतनी ही डेट में आपका ये भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको 19 मई को पता चलेगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वालों को कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। सो अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको रीजन भी बताएंगे कि क्यों रिजेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है आपका 20 मई को जो बीएससी पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलेगा कि उनका रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, रिजेक्शन का वो रीजन भी देंगे। नेक्स्ट है आपका 25 मई, सो यहाँ पे आपका लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल 2021, कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उनकी लास्ट डेट है आपकी 25 मई। ये उन बच्चों के लिए है जिनका रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि रिजेक्शन में वो ये बताते हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट गलत है या फिर उसको रीअपलोड करिए, सो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। सो आपको जो बाद में दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा तो फिर वो आपकी डेट है 25 मई। नेक्स्ट आपको बता रखा है कि आपके बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के जो एडमिट कार्ड हैं वो 2 जून को आ जाएंगे, और जो आपके बीएससी पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 जून तक आ जाएंगे। सो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि 2 के बजाय 3 को आए, 3 के बजाय 4th को आए, तो ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रखा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डेट क्या होगी एग्जाम की, 14 जून। बीएससी पोस्ट बेसिक की होगी आपकी 27 जून, एंड पैरामेडिकल की भी होगी आपकी 27 जून। सो टाइमिंग आपको एडमिट कार्ड में मेंशन ही होती है जैसे कि आप सबको पता है, सो टाइमिंग यहाँ नहीं दी है। सो गाइस ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पढ़ दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए या फिर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। गाइस अभी लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बच्चे जिन्होंने 2020 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक, वो बच्चे दोबारा जो है उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उन स्टूडेंट्स को या फिर जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं सबको आप विजिट करते रहिए ऑफिशियल वेबसाइट जो एम्स की है, ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो मिस आउट ना हो। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे ही कोई अदर अपडेट आएगी। दूसरा गाइस, हम जो क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे थे हम उनको थोड़ा अर्लियर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो, और आप लोग अच्छे से अभी अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है एज़ यू ऑल नो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग हो, चाहे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हो, या फिर हमारे क्रैश कोर्स सीरीज के रिगार्डिंग हो, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।